नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इस बार हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। इसमें जो प्रश्न हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे और उनके उत्तर मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और उसमें से हमको दो दो पंक्तियों में उत्तर देने हैं। तो पहला है, कथानायक की रुचि किन किन कार्यों में थी? तो उत्तर है, कथानायक से मतलब है जो छोटा भाई है वही इस कथा का केंद्रीय पात्र भी है, कहानी भी वही सुना रहा है। तो उसकी रुचि जो है बचपन होने के कारण खेलकूद में, उधम मचाने में, शरारत करने में, मटरगश्ती करने में उसकी रुचि ज्यादा थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे से हर समय जो पहला सवाल करते थे वो यह कि कहाँ थे। और अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, और इसका उत्तर यह है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह बड़े भाई के मन में, उसके मन में बड़े भाई के प्रति जो सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, और बढ़ गई। फिर चौथा प्रश्न सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है और उसका उत्तर है कि बड़े भाई साहब उम्र में छोटे वाले भाई से 5 साल बड़े थे, लेकिन कक्षा का जो अंतर था वो केवल दो कक्षाओं का ही अंतर उनके बीच में था। और इसका पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें बताना है कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो उसका उत्तर है कि वे अपने दिमाग को आराम देने के लिए किताब पर कुछ तस्वीरें खींचा करते थे, कभी शब्दों के अजीबो गरीब मेल बनाया करते थे। इस तरह जो वो है अपना दिमाग को आराम देते थे, विश्राम देते थे, और जो बोझ होता था पढ़ाई का उससे अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश करते थे। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा, और उसके भी कुछ छोटे छोटे कई प्रश्न हैं, इनमें 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न जो छोट पहला है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। उत्तर है, छोटे भाई ने टाइम टेबल में हर विषय के लिए एक उपयुक्त समय और योजना बनाई, फिर सोचा कि पढ़ाई के प्रति वो गंभीर हो जाएगा क्योंकि अब टाइम टेबल बन गया है, लेकिन खेल कूद की ललक ने उसके टाइम टेबल का कोई पालन करने का अवसर ही उसे नहीं दिया। तो दूसरा है प्रश्न आपके सामने आएगा स्क्रीन पर और उसका उत्तर है कि भाई साहब ने छोटे भाई को घमंड न करने की सलाह दी और बताया कि कैसे कड़ी मेहनत से लगातार सफलता मिल सकती है। बड़े भाई ये नहीं चाहते थे कि सफलता के नशे में छोटा भाई जो है वो अपने समय को बर्बाद कर दे। फिर इसी का तीसरा स्क्रीन पर आपके सामने, और उत्तर है कि बड़े भाई साहब को कोई ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे छोटे भाई के ऊपर उसका गलत असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबा रखा था। उनका भी मन खेलने को होता था, घूमने को होता था, बाहर की दुनिया में जाकर के मिलने जुलने का होता था, परंतु वे अपने आप को इन सब से दूर रखते थे। और अब प्रश्न चौथा कि वो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, क्या सलाह देते थे ये बताना है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि छोटा भाई, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, उससे भटक जाए। क्षमा कीजिए।
पांचवा है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? तो उत्तर है कि छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का फायदा ये उठाया कि उनकी नज़र बचाकर वह खेलने कूदने में ज़्यादा समय लगाने लगा। हालांकि दोनों भाइयों में एक ही दर्जे का अंतर रह गया था, लेकिन फिर भी छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत करता था, इसलिए जो भी शरारत करता अपने बड़े भाई की नज़रों से बचकर ही करता। और अब इसका खा है जिसमें 50-60 शब्दों में उत्तर देना है। और पहला प्रश्न आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, इसका उत्तर है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो भी छोटा भाई अपनी कक्षा में अव्वल ही आता, वह प्रतिभावान है, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में उसका समान दखल है, खेल को अध्ययन का विरोधी मानने की मानसिकता उचित नहीं है। और अब इसका दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर, और अब कहानी से जुड़ा एक प्रश्न है कि उसका उत्तर यह है कि बड़े भाई साहब में लेखक ने समूची शिक्षा के इन तौर तरीकों पर व्यंग किया है। बड़े भाई साहब असल में एक प्रतीक हैं, जो जैसी शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह का ढर्रा बना दिया गया है विद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाई का, उसको बोझ बना दिया गया है, उसको हवा बना दिया गया है, उस व्यवस्था पर वे चोट करते हैं, व्यंग करते हैं। तो पहला है इसका कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए रात दिन आंखें फोड़ना, खून जलाना, ये वाक्य आया है। तो ये इसलिए कि वह एक विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा के जरिए साहब बनने के लिए अगर अंग्रेजी सीखना है, पढ़ना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा है, खेलकूद और मेला तमाशों से अपने को विलग रखकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये जो बात है वो गलत है और इस पर लेखक ने इस बात को रेखांकित किया है। फिर अपने को केवल पढ़ाई में लगाए रखना। चौथा, रटने की पद्धति कि हर विषय को रट लीजिए और रटने से ही जो है आप लिख देंगे, पढ़ाई में परीक्षा में पास हो जाएंगे, लेकिन रट लेना ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। और जी हां, मैं लेखक के विचारों से सहमत हूं। तीसरा जो है इसी का वो है स्क्रीन पर, और उसका उत्तर इस तरह है कि बड़े साहब भाई साहब के अनुसार किताबी ज्ञान मात्र ही जीवन को समझ पाने के लिए काफी नहीं है। जीवन के अच्छे और बुरे अनुभव इस ज्ञान को पुख्ता करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वह उनके बुजुर्गों के व्यवहारिक ज्ञान से सीखना होता है, इसलिए बड़े भाई साहब छोटे भाई को समय समय पर सिखाते रहते हैं। और अब इसी का जो चौथा प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ रहा है, और उसका उत्तर इस तरह है कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा इस तरह उत्पन्न हुई कि उसने महसूस किया कि बड़े भाई ने उसकी देखभाल और जिम्मेदारी के साथ काम बहुत जिम्मेदारी से किया है। उसके लिए भी अनेक प्रकार की कुर्बानियां भी उन्होंने दी हैं। वे खुद अपने को खेलकूद से दूर रखते हैं, घूमने फिरने से उन्होंने अपने को काट रखा है ताकि छोटा भाई गुमराह ना हो जाए। उनको भी ऐसा करते देखेगा तो वह और ज्यादा उन चीजों में लिप्त हो जाएगा। तो यह सब देख करके उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति एक तरह का आदर भाव भी है। और अब पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बड़े भाई की स्वभाव की विशेषताएं बतानी है। तो पहला है कि बड़े भाई में हर चीज को नाप तोल कर करने की आदत है। दूसरा है, वे सभी नियम और कानून का पालन करते हैं। तीसरा है, वे अपने छोटे भाई की हमेशा तरक्की चाहते हैं। चौथा, उपदेश देने की उनमें प्रवृत्ति है। और पांचवा, उन्होंने अपना बचपन गंवा दिया है, बचपन में ही उन्होंने बुजुर्गियत ओढ़ ली है। अब इसका हम बात करेंगे जिसमें हमको कुछ वाक्यों के आशय स्पष्ट करने हैं।
पहला जो वाक्य है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और उसका उत्तर है कि इस कथन का आशय यह है कि परीक्षा पास कर लेना ज्ञान पा लेना नहीं है, अध्ययन का तात्पर्य है बुद्धि का विकास होगा। फिर दूसरा वाक्य आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, उसे पढ़िए। उसका आशय इस तरह है कि मनुष्य के सामने मौत भी हो तब भी वह माया मोह में फंसा रहता है, कथावाचक भी अपने को ऐसी ही स्थिति में पाता है, वह फटकार पाकर के भी खेल कूद से अपने आप को अलग नहीं करता। फिर अगला वाक्य आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर और उसका उत्तर इस तरह से है कि इसका आशय यह है कि मजबूत आधार पर ही आगे का सब कुछ निर्भर होता है। अब चौथा कथन स्क्रीन पर और उसका आशय इस तरह होगा कि पतंग इस तरह कटकर आसमान से धरती पर आ रही थी जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से धरती पर चली आ रही हो। भाषा अध्ययन संबंधी अब प्रश्न हम करेंगे, तो इसके हमको जो पहला प्रश्न है उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द हमको बनाने हैं। तो इस तरह है, नसीहत ये उर्दू का शब्द है और इसके पर्यायवाची शब्द हैं मशवरा, सलाह। रोष, इसके दो पर्यायवाची शब्द होंगे गुस्सा और क्रोध। आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। राजा के दो पर्यायवाची शब्द हैं नरेश और सम्राट। ताज्जुब, जो फिर उर्दू का एक शब्द है, उसका दो पर्यायवाची हैं अचरज और आश्चर्य। फिर प्रश्न दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर और अब हम उसके उत्तर पर आते हैं। यहां पर निम्नलिखित मुहावरे हैं, जी ना लगना, पहाड़ होना, निपुण होना, सूखती बाण चलाना, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, हिम्मत टूटना, जानलेवा होना, नसीहत और फजीहत का अवसर मिलना। ये हमने कुछ मुहावरे खोजे हैं और अब हमको कुछ मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो आइए अब हम ये भी कर लेते हैं। पहला मुहावरा है सिर पर नंगी तलवार लटकना। तो इसका वाक्य इस तरह बनाया जा सकता है, कुछ लोगों के लिए चुनौती सिर पर लटकने वाली तलवार नंगी तलवार जैसी होती है। फिर है आड़े हाथों लेना। गलतियां होने पर मेरे मित्र मुझे आड़े हाथ लेने से नहीं चूकते। फिर अंधे के हाथ बटेर लगना। जब वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो उसके दोस्तों ने कहा कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। फिर है लोहे के चने चबाना। गणित का प्रश्न पत्र हल करना मेरे लिए लोहे के चने चबाने जैसा ही है। दांतों पसीना आना। रानी दुर्गावती की वीरता को देखकर आसफ खां के सैनिकों को दांतों पसीना आने लगा। फिर है ऐरा गैरा नत्थू खैरा होना। कई लोग दूसरों को ऐरा गैरा नत्थू खैरा समझते हैं। और अब हम तत्सम शब्दों को यहां पर देखेंगे। तो तत्सम शब्द कौन कौन से हैं ये देखते हैं। इसमें एक है चेष्टा, सूक्ति भाव, आधिपत्य, प्रातःकाल, विद्वान, निपुण। पहले भी बताया जा चुका है पर मैं यहां याद दिलाता हूं, तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत में जिस तरह से उनका प्रयोग होता है जब ठीक वैसा ही हिंदी में प्रयोग हो तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत में जो शब्द मूल शब्द संस्कृत का होता है परंतु उनका एक नया रूप बनकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगता है तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तत् धन उद्भव, उससे जो उत्पन्न हो गया है नया शब्द। तत्सम यानी उसके समान, संस्कृत में जैसा प्रयोग होता है वैसा ही।
तो अब तद्भव शब्द खोज लेते हैं, हाशिया, आंख फोड़, घोड़किया और हेलना। अब देसी या देशज शब्दों की भी कुछ शब्दों को खोजना था, तो इसमें पन्ना, मेला, तमाशा, फटकार। आगत शब्द, आगत शब्द का तात्पर्य जो दूसरी भाषा से, उर्दू से, अंग्रेजी से, अरबी से हमारे बोल भाषा में जो शब्द आए हैं वो आगत कहलाते हैं, आगत यानी आने वाले। तो ऐसे शब्दों को हम देखते हैं, तालीम, जल्दबाजी, पुख्ता, जमात, हर्फ, जानलेवा, मसलन, स्पेशल, स्कीम, भाई साहब, टाइम टेबल। ये इनमें अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, तो ये आगत हैं। और अब प्रश्न चौथा, इसमें हमको क्रियाओं के बारे में कुछ बताना है, तो वो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और मैं यहाँ से उत्तर दे रहा हूँ। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता रहती है उसे अकर्म आवश्यकता नहीं रहती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक शब्द से ही इसका अर्थ निकलता है, कर्म के पहले आ लगा है, अकर्मक, कर्म ना करना। तो जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता न हो वह अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहलाता है। उदाहरण, शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। अब हमको अकर्मक और सकर्मक वाक्यों को इसमें छांटना है। तो का, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया, ये सकर्मक है। ख, फिर चोरों का जीवन कटने लगा, ये भी सकर्मक है, कटने लगा, कुछ हो रहा है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, अकर्मक, अभी इसमें पढ़ा होगा एक आशंका है, ये कर्म के होने की निश्चितता नहीं है, सॉरी। फिर घाव में यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, आंसू बह रहे हैं, सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, अकर्मक, क्योंकि अभी लिखा जाना है। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, यहां कर्म हो रहा है, तो ये सकर्मक। अब इसी तरह प्रश्न पांचवा है जिसमें प्रत्यय लगा करके और शब्द बनाए जाने हैं, तो उन शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे विचार का वैचारिक, इतिहास का ऐतिहासिक, संसार का संसारिक, दिन का दैनिक, प्रयोग का प्रायोगिक, अधिकार का अधिकारिक। इसमें एक प्रयोग लगा करके हमको शब्द बनाने थे। तो यह था बड़े भाई साहब जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उनके प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।